हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आर्मी ऑर्डन कॉर्प्स ग्रुप सी के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एओसी, एलडीसी, फायरमैन, सफाई वाला, मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी, कितना कट ऑफ आने वाला, हम सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। दोस्तों, साथ ही जब भी कोई नया सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है तो उसकी नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक, जी हाँ दोस्तों, हम पूरी की पूरी अपडेट जो है आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपको कि कितनी कटऑफ जाने वाली है, कितनी जो है वेबसाइट पे जो है अनुमानित की गई है। हम सब कुछ आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं उसी टेस्टमेंट रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बताया, इफ यू आर द पार्टिसिपेंट ऑफ आर्मी ऑर्डन कॉर्प्स एलडीसी फायरमैन रिटर्न एग्जामिनेशन एंड देन यू मीट बी लुकिंग फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन एओसी ट्रांसमेंट रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए पूरी की जो है जो ये आर्टिकल लिखा गया है वो टोटल इसी के ऊपर लिखा गया है। देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एओसी आर्मी ऑर्डन कॉर्प्स रिटर्न एग्जाम रिजल्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन नेम आर्मी ऑर्डन कॉर्प्स, पोस्ट में क्या क्या नाम है आपका, ट्रेड्समैन मेट का, एलडीसी, फायरमैन, सफाई वाला, अदर, ग्रुप सी पोस्ट। जी हाँ, ये ग्रुप सी के पोस्ट के लिए है, जो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी से ग्रुप सी बेटर होता है, आप सभी को पता है ऑलरेडी, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 818 पोस्ट है इसमें, आपने इसका फॉर्म भरा होगा। एग्ज़ाम डेट देखिए ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो एओसी रिजल्ट देखिए अब बताते हैं, और रिजल्ट स्टेटस अभी तक अपडेट सून है। तो हम आपको अब बताने वाले हैं कितना जो है आपका सर कट ऑफ जाने वाला है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड्समैन मेट कट ऑफ 2019 के हिसाब से, इफ़ यू कैन गेट मार्क्स अबाउट सी एक्सपेक्टेड फॉर मार्क्स 2009 डिटेल विच इज़ यूज टू सेलेक्टेड द कैंडिडेट्स फॉर द एग्जामिनेशन आर्मी ऑर्डन कॉर्प्स एलडीसी फायरमैन क्वालिफाइंग मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है और कितना कट ऑफ जाने वाला है, हम सब कुछ इस चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने एक कैटेगरी जो है यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, कितना मार्क्स आपको जाने वाला है। तो देखिए जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर जनरल कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है अनरिजर्व यानी, तो आपका अगर 70 से 75 मार्क्स के अंदर आता है, जी हाँ दोस्तों, अगर 70 से 75 के अंदर आपने जो है अपना स्कोरिंग मार्क्स चेक किया है, अगर आपने आपको एग्ज़ाम देने के आने के बाद आपने जो अपना गूगल से या फिर अपने बुक से रेफरेंस करके अपने अपने मार्क्स मिलाए होंगे आपने, कि इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं 70 से 75 मार्क्स के अंदर, तो आप जो है अपना लगभग सिलेक्शन पक्का समझिए दोस्तों, क्योंकि 70 से 75 के मार्क्स के भीतर ही जाने वाली है आपकी जनरल की कट ऑफ। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में देखिए अगर 65 से 70 के बीच, जी हाँ, अगर 65 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि 60 से जो है 65 के आसपास में ही आने वाला था, लेकिन हमने यहाँ पर आपको 5 नंबर ज़्यादा ही बताया है ताकि आपको जो है मोटिवेट हो। 65 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो दोस्तों अपना सिलेक्शन पक्का मानिए ओबीसी वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें एससी, जी हाँ दोस्तों, एससी कट ऑफ हमेशा जो है ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि एससी में जो है स्टूडेंट्स की संख्या जो है बढ़ जाती है समटाइम्स, और समटाइम्स कम होती है, यानी कि जितने स्टूडेंट्स, आपको पता है 2017 की ये वैकेंसी थी, जो डेढ़ कम से कम 2 या 2 साल के आसपास में जो है इसके बाद इसका एग्ज़ाम हुआ, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके एज क्राइटेरिया भी बढ़ गई, जी हाँ कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनका जो है चांसेस रहता है, लेकिन एज क्राइटेरिया बढ़ जाती है, 2 साल का गैप हो चुका है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म को भूल भी चुके हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया आफ्टर एग्ज़ाम कि सर मेरा जो है इसका मुझे पता नहीं चल पाया वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि क्योंकि इसमें काफ़ी जो है स्टूडेंट जो है कम हो चुके हैं ऑलरेडी, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं दोस्तों वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स कम हो जाता है, कॉम्पिटिशन कम होता है तो कट ऑफ भी कम जाती है। उस हिसाब से दोस्तों देखिए यहाँ पे एससी कट ऑफ जो जाने वाली है वो उम्मीद है 60 से 65 के बीच में, ये कम भी जा सकती है दोस्तों, इसमें और भी उम्मीद है, यहाँ पर जो है आपको 55 तक भी उम्मीद है दोस्तों, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, अगर आप 55 नंबर भी ला रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। अब बात करें एसटी की, तो एसटी का भी सेम वही रीज़न है दोस्तों जो आपको मैंने बताया, यहाँ पे आपको 50 तक भी अगर आपके पास हैं, यानी कि 50-55 के आसपास में आपके नंबर हैं, तो आप एसटी क्लॉन से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये है फिक्स है, इसमें कभी कभी 5 मार्क्स नीचे चला जाता है, कभी 5 नंबर ऊपर चला जाता है, कभी 1 नंबर 2 नंबर से आगे पीछे होता है, लेकिन एक ओवरऑल जो कट ऑफ हम बनाते हैं वो दोस्तों एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब ये होता है कि पिछली बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ था कितनी कट ऑफ इसी गई थी, और अब के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसको एनालिसिस करके उसमें कितना कठिन मार्क्स आए थे, कितने आसान पेपर आए थे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे थे, इन सब का जो है एल्गोरिथम निकालने के बाद, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो हम ये सब कट ऑफ बनाते हैं, तो ये कट ऑफ बहुत सटीक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर का फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप इतने कट ऑफ के आसपास में है तो दोस्तों अपना सिलेक्शन पक्का समझिए और आगे के स्टेप्स की तैयारी में लग जाइए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सके और उनको ये जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।